नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। चुनाव आते ही चुनावी गलियारों में चहलकदमी बढ़ गई है और हर पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारियों तक हलचल तेज हो चुकी है। कभी आरोप प्रत्यारोप तो कभी अपने मुंह मियां मिट्ठू। वहीं जो कभी एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, वो एक दूसरे के लिए सिर्फ कड़वाहट ही उगल रहे हैं और उनके शब्द अब मिश्री से मीठे हो गए हैं। राजनीति वो जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कराए, और आज हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए कुछ ऐसा ही बताने जा रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। लंबे समय तक चली तनी के बाद अब हरक सिंह रावत और हरीश के बीच आखिरकार बात हो ही गई। बात तो जरूर हुई, लेकिन राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी आज बहाने हरक को एक होने की सलाह भी दे गए। और नेवले रास्ता सुनाकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वन मंत्री हरक सिंह रावत से फोन पर बात की। फोन पर बात करने के दौरान वो बहुत ही सहज नजर आए। दरअसल हरीश रावत भी इन दिनों आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर हैं। हरीश रावत ने कुमाऊं के चुकाम और सुंदरखाल में आपदा के चलते आई दिक्कतों को लेकर प्रदेश के वन मंत्री हरक सिंह रावत से बात की और मदद की उम्मीद जताई। फोन पर बात करते हुए रावत ने हरक सिंह रावत से कहा, आपदा के समय जब सांप और नेवले एक हो जाते हैं, तो वैसे ही हरीश रावत और हरक सिंह रावत एक क्यों नहीं हो सकते। आइए इसका एक वीडियो भी आपको दिखाते हैं और सुनाते भी हैं। एक मिनट हाँ, मेरे बल दो भाइयों तो मिला दो जरा। एक मिनट। हेलो, नमस्कार। मैंने कहा आपदा के समय में सांप और नेवला जो है एक ही उसमें तैर जाते हैं, हम तो दोनों भाई हैं। ये हमारे लोगों पर बड़ी आपदा आई है, आप फॉरेस्ट मिनिस्टर हो, ये आपदा आई है। चुकम गांव मोहान के सामने उन पर, और एक सुंदर खाल में आई है, और मेरी रिक्वेस्ट भी है और सलाह भी है कि आप ये दोनों गांवों को आकर के जरा सा देखिए। जिस समय आप और हम एक ही जगह थे, यशपाल आर्या जी भी हैं यहाँ पर बैठे हुए, एक ही जगह थे, उस समय हमने इनके विस्थापन का कागज चलाया था। सुंदर खाल का भी, चुकम का भी चलाया था। इस समय आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बाद या सेक्रेटरी के बाद नहीं, फाइल रुकी पड़ी है, उसको जरा धक्का लगवा दो। देखिए भाई साहब, हम लोग कर जाते तो इस समय हमको पुण्य मिलता, अब आज आप तो कम से कम पुण्य करने के स्थिति में हो, जरा हाथ लगाओ और वो सुंदर खाल वालों के लिए कोई लाइट की व्यवस्था करवा दो। और हाँ, वहाँ के लिए लाइट की उसकी व्यवस्था करवा दो। वैसे मैंने मिसेज धकाते से बात की है, मैंने कहा भाई जरा लिबरल एटीट्यूड अपनाओ, इस समय स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट रूल से नहीं होगा, और यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, जरा इसको जरा आकर के देख लो एक चक्कर, एक चक्कर आकर के देख लो, और जरा यशपाल आर्या जी से बात कर लो, ये ज़्यादा हो गया या दे दीजिए या मैसेज कर दीजिए। हेलो भाई, नमस्कार, प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। ये आज आपसे बात हो पा रही है, मैं भी है अब ऐसा आप कर सकते हैं भाई साहब, ना कर सकते हैं, आपके अंदर क्षमता है ना, आप कर सकते हैं। अगर आप एक दिन यहाँ पर विजिट कर लें, मैं भी रहूँगा साथ में ना, क्योंकि बहुत बड़ी बुरी दयनीय स्थिति है यहाँ, तो इसका कोई बचा ही नहीं है, सब जमीन अमीन सब बह गई है, खेत बह गए इनके, यहाँ सुंदर खाल में आप वहाँ कह दिए, डीएफओ से कह दिए, कल आपने भी बात की है, राहुल जी ने भी बात की कल डीएफओ से ना, वहाँ सुंदर खाल में वहाँ पर, हाँ 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 हाँ
ये रामनगर 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 में है, है? हाँ जोशी होंगे, हाँ अली जोशी नाम क्या है उनका, हाँ जोशी जी हैं, जोशी हैं। तो उसको भाषा एक बार आप दो चार दिन में जब समय निकाल के एक बना लीजिए, आप देखेंगे खुद आप द्रवित हो जाएंगे। विस्थापन भी होना है, फिलहाल इनको एक फौरी व्यवस्था भी हो जाए इनकी रहने की और कुछ का, है ना? ठीक है सर, ठीक ठीक अच्छी बातचीत होगी हमारी आपको लेके सबको। हाँ ठीक, मिलते हैं बच्चा, धन्यवाद धन्यवाद। प्रधान जी, जी सर, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं, अब थोड़ा सा आप थोड़ा सा बजट बोल देंगे सर, नहीं नहीं बजट काम पे बोलेंगे कर दिया। हरीश रावत और हरक सिंह के बीच की बातचीत की शुरुआत पीसीसी चीफ गणेश गोदियाल ने स्थानीय लहजे में करते हुए की। उन्होंने हरीश से कहा एक भाई को दूसरे भाई से बात करनी है, फिर उन्होंने फोन हरीश रावत को दे दिया। हरीश रावत के बाद हाल ही में घर वापसी करने वाले यशपाल आर्य ने भी वन मंत्री से बात की। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जहां हरीश रावत पर जमकर निशाना साधते थे, वो अब उनके आगे नतमस्तक होने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हरीश रावत के खिलाफ अब नहीं बोलूंगा, हरीश रावत का हर शब्द मेरे लिए आशीर्वाद, कांग्रेस में जाने को लेकर माफी नहीं मांग रहा हूं, बल्कि बड़े भाई हैं इसलिए माफी मांग रहा हूं। हरीश रावत चोर बोले अपराधी बोले, अब उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलूंगा, हरीश रावत का हर शब्द फूल और आशीर्वाद है। किस तरीके से आप देखते हैं? देखो मेरे, मैंने पहले भी कहा मेरा छोटा भाई है और तुम, मैं चैंपियन हो गया, तुम भी मुझे गाली दे दोगे तो मैं तब भी सहन कर लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो हरीश भाई, मैं तो हरीश भाई को बड़ा भाई कहता हूँ, हरीश भाई नहीं सहन कर पाता लेकिन हरक सिंह रावत में इतने, कोई तो रावत होना चाहिए सहन करने वाला, इसलिए चैंपियन कुछ भी बोल दे इसलिए सात फुट माप मिलेगी, कुछ भी दे दे गाली दे दे, मेरा भाई है भाई रहेगा, तुम कितने ही कोशिश कर लो कि भाई उसके बोलने से और वो और उस पर मेरा प्रेम कम नहीं होने वाला। हरीश भाई के लिए भी है, मैं तो अब हरीश भाई के लिए कर दे, बड़ा भाई है भैया जो बोले, अब मैं हरीश भाई मुझे कुछ भी बोल दे, हरीश भाई आज मेरे चोर बोल दे, हरीश भाई मुझे अपराधी बोल दिया और कुछ भी बोल दे, मैं तो सब भगवान हरीश भाई के चरणों में है, हम तो उनके नतमस्तक हैं, बड़े भाई हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको सारे खून माफ होने के लिए। मैं वापसी की माफी नहीं मांग रहा हूँ, बड़े भाई इसकी से माफी मांग रहा हूँ कि भैया मैं तो आप जो बोलते रहो, आप क्या, आपका हर शब्द हमारे आशीर्वाद है फूल है। प्रदेश की राजनीति के दो बड़े राजनीतिक ध्रुव माने जाने वाले हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बयानों में कभी तल्खी तो कभी नरमी चर्चा का विषय बनी हुई है। हरक और हरीश के बीच छिड़ी जुबानी जंग में कभी कड़वाहट तो कभी मिठास देखकर हर कोई अचंभित है। खैर ये देखना होगा कि मिठास और नरमी कब तक बनी रहेगी। पहले भी कयास लगाए जा चुके हैं कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में जा सकते हैं, लेकिन अब एक बार फिर से इसको और ज्यादा हवा मिल रही है कि हरक सिंह रावत जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। चमोली जिले के सीमांत क्षेत्र जोशीमठ विकासखंड के गांव रायगढ़ करछी गांव पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी और जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रजनी भंडारी ने आपदा प्रभावित ग्रामीणों की आपबीती सुनी, साथ ही सभी को मदद का आश्वासन दिया। बता दें कि पिछले दिनों हुई भारी बारिश में रायगढ़ और करछी गांव में भारी भूस्खलन हो गया, जिसके कारण इन गांव में काफी नुकसान हो गया था। देखिए हरीश राव जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने कोई बात कही है तो ठीक है, अभी 2022 का चुनाव हमारे सामने है, 2022 में हम लड़ेंगे और जीत करके आएंगे, आएंगे तो विधायकगण और राष्ट्र नेतृत्व तो तय करेगा, जिसको भी जिम्मेदारी मिलेगी वो मुख्यमंत्री के रूप में। क्या आप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं माननीय प्रीतम सिंह जी? मैंने कहा ना कि राजनीति में जो हम लोग हैं सब लोग जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन राजनीति में व्यक्ति का महत्व तो नहीं होता है, राजनीति में दल का महत्व तो होता है, तो हम कांग्रेस के लोग हैं
कांग्रेस जो दायित्व देगी, जो जिम्मेदारी सौंपेगी सोनिया जी राहुल जी, उसको हम निर्वहन करेंगे। अब ये तय करना तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का है, मैं थोड़ी तय कर सकता हूँ। ये भी थी कि 2013 जैसी हालात बन सकती हैं, उसके बाद भी सरकार रेड अलर्ट घोषित करके एकदम अपनी निश्चिंत हो गई, कोई जो है प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, और आज 5 दिन बाद भी हालात जस की तस हैं। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे हैं लेकिन लोगों को कोई सहायता नहीं मिल रही है। सरकार के पास या प्रशासनिक विभाग के पास जो आंकड़े हैं वो भी फर्जी हैं, गलत हैं, और इसका प्रमाण यह है। चलो हम तो विरोध में, हम विरोध कर सकते हैं, लेकिन कल लोहाघाट में, चंपावत में, लोहाघाट के विधायक पूरन सिंह फर्तियाल ने DM और CM के सामने कहा कि जिलाधिकारी ने गलत आंकड़े पेश कर रखे हैं। और पिछले 16, 17, 18 तारीख तक ये बारिश लगी जिसमें काफ़ी तबाही हुई ग्राम पंचायत कर्ची रेगड़ी तुगासी में। और जैसे कि बात कहें 19 तारीख को प्रधान जी जोशीमठ गए और उप जिलाधिकारी को टूट फूट की फ़ोटो और एक एप्लीकेशन जमा की गई है, और दूसरे दिन पटवारी जी मौके पर आए और आकलन करके ले गए। क्या लगता है आपको कि ये जो भूस्खलन जो हुआ है इसमें कितने लोगों को यहाँ पर खतरा बना हुआ है? लगभग रेगड़ी में तो पूरा गांव ही खतरे के चपेट में है, और बाकी आधा गांव कच्ची गांव भी है जो इस आपदा से ग्रसित है। 19 की जो भयंकर वर्षा हुई उससे जो आपदा उत्पन्न हुई है, पहले तो पूरे ही उत्तराखंड के, चाहे कुमाऊं हो गढ़वाल हो, बहुत संख्या में लोगों का नुकसान हुआ है, खेत का, खलिहान का, मकान का, और बड़ी बात है कि आदमियों का भी कुमाऊं के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लोग दब गए, संपत्ति खत्म हो गई। ऐसे हमारा जनपद चमोली में भी पिंडर के अंदर, जोशीमठ के अंदर, पोखरी के अंदर, दसोली में तमाम जगह भूस्खलन हुआ है, नदी नाले आए हैं, सड़कें टूट गई है, और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को खेत खलिहान का भी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देशवासियों को संबोधित मन की बात को सुना। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, डॉक्टर धन सिंह रावत, स्वामी यतीश्वरानंद और मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में उत्तराखंड में 100% कोविड टीकाकरण के प्रथम डोज लगाने पर उत्तराखंड सरकार की सराहना की है। मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री ने बागेश्वर जनपद की हेल्थ वर्कर पूनम नौटियाल से बातचीत की। हल्द्वानी पहुंचे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रबंधन में फेल रही है। प्रीतम सिंह ने कहा कि दैवीय आपदा के समय लोगों के साथ खड़ा रहना या प्रभावितों की मदद करना अगर राजनीति है तो ऐसी राजनीति होती रहेगी। भी आप नहीं कर सकते क्योंकि बादल कहां फटेगा ये किसी को पता नहीं रहता है, लेकिन अब जो है निश्चित रूप से ये बात तो हो गई है कि पूर्व चेतावनी आ जाती है। 2013 की जब आपदा आई थी तो पूर्व चेतावनी नहीं आई थी, इस बार पूर्व चेतावनी आई थी तो हमको जो है उस तरीके से तैयारी करनी चाहिए थी। अगर तदनुसार हम तैयारी करते तो हम ये नहीं कहते कि हम आपदा रोक देते, लेकिन बहुत सारी जगह जो है हम उसको रोकने में कामयाब हो पाते। हालात क्या हैं सर? हालात बद से बदतर हैं। जिस तरीके से आपदा आई और आपदा के बाद त्वरित गति से लोगों के बीच में जो है सरकार को जाना चाहिए था, सरकार उसमें असफल साबित हुई। जब नैनीताल से लोग जो है भीमताल नहीं आ पाए हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी जो है देवी आपदा प्रबंधन की व्यवस्था सरकार की है। कांग्रेस की तैयारी क्या है सर इलेक्शन? कांग्रेस 2022 के चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। उत्तराखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं। 2022 में हम आ रहे हैं, BJP जा रही है। बद्रीनाथ में आजकल सुहाने मौसम के बीच विष्णु भक्तों का तांता लगा हुआ है। बता दें कि देश के अंतिम गांव माणा में सरस्वती मंदिर का उद्घाटन करने के बाद देश के कोने कोने से तीर्थयात्री यहां पहुंच रहे हैं। वहीं इसी के चलते माणा गांव में इन दिनों उत्सव सा माहौल बना हुआ है। वहीं 27 अक्टूबर तक यहाँ उत्सव का आयोजन है जिसमें देश के जाने माने हस्तियाँ और VVIP लोगों का दौरा भी शामिल है। देखिए उत्तराखंड देवभूमि है, ये संस्कृति का उद्गम है, सरस्वती का उद्गम है, माँ गंगा यमुना का उद्गम है, ज्ञान विज्ञान का उद्गम है। यहाँ शंकराचार्य जी केरल से आकर के बद्रीनाथ की स्थापना की,
और आज महाराष्ट्र संतों की भूमि से हमारे विश्वनाथ कराड़ जी ने यहाँ पर सरस्वती के किनारे सरस्वती के पुराने मंदिर को एक विशाल मंदिर में परिवर्तित किया है और यह उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और विशेष करके माणा गांव के लोगों ने उसमें योगदान दिया है और मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और मुझे लगता है कि इससे हमारे माणा गांव को, हमारे उत्तराखंड को और पूरे देश को लाभ होगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है घटना कि माता सरस्वती का जो उद्गम स्थल है वो तो लुप्तप्राय हो गई है, तमाम पुरातत्व नेता उस पर अध्ययन कर रहे हैं, खोज का काम कर रहे हैं। आज वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर का महाराष्ट्र श्री कोश्यारी जी विश्वनाथ कराड़ जो इसके संस्थापक हैं और महान वैज्ञानिक विजय भाटकर जी आज यहाँ पर हैं, ये बहुत बड़ा सहयोग भी है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी प्रेरणा का केंद्र बनेगा जिस तरह से भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आज माणा गांव के लिए एक ऐतिहासिक क्षण रहा है जब महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी द्वारा माणा स्थित सरस्वती नदी के तट पर सरस्वती मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस मंदिर का प्रकल्प 2009 में डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी जो कि पुणे के रहने वाले हैं उनके साथ सलार मामा जी और एक जो हमारे सुपर कंप्यूटर के साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड नोन रीनोन साइंटिस्ट डॉक्टर पद्म भूषण श्री विजय पी भटकर जी के 2009 में माणा आए थे और माणा में यह संकल्प लेके गए कि हमने माणा में सरस्वती मंदिर का एक विशाल मंदिर का जीर्णोद्वार करना है। इसी परिप्रेक्ष्य में करीब 12 साल तक इन लोगों ने कोई एक्टिविटी नहीं किया, अचानक 2019 में इन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पुणे में और पुणे में इन्होंने एक सरस्वती मंदिर का एक प्रकल्प किया था कि हमने इस टाइप के मंदिर को बनाना है। फिर तुरंत एक इन्होंने अपने कुछ आदमियों को यहाँ पर भेजा, 17 अगस्त 2021 को, और ये मंदिर जो है 61 दिन में पूरा तैयार हुआ। सूबे में कांग्रेस के कद्दावर नेता और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बीते दिनों आसमानी आफत के तौर पर बरसी आपदा से प्रभावित लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के इंदिरा नगर द्वितीय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना। वहीं लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के इंद्रानगर द्वितीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश सरकार पर आपदा से निपटने में पूरी तरह विफल होने का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग करते हुए राज्य सरकार से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने की मांग की है। 17, 18 और 19 तारीख को भारी बरसात जो है उत्तराखंड राज्य के अंदर हुई, कई जगह बादल फटे और उससे व्यापक स्तर पर जनधन की हानि हुई है और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इस राज्य के अंदर जब जब देवी आपदा आई है, देवी आपदा के बाद जो लोग उससे प्रभावित हुए हैं उनको उचित दरों पर जो है रिहैबिलिटेशन करने की बात भी हुई और मुआवजा देने की बात भी हुई है। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जो लोग प्रभावित हैं, जिनके मकान टूट गए हैं, जिनकी ज़मीन चली गई है, सरकार उनको मुआवजा देने का काम करे। तो आमिर साहब आप बोल रहे हैं जिन्होंने प्रश्न, वही कह रहा हूँ कि इस आपदा के लिए मौसम विभाग ने पूर्व में ही जो है चेतावनी जारी कर दी थी कि ये आपदा 2013 की तरह भी हो सकती है और रेड अलर्ट भी घोषित करने का काम किया गया। और जब रेड अलर्ट घोषित किया गया उसके बाद सरकार का दायित्व बनता था, कर्तव्य बनता था कि वो देवी आपदा प्रबंधन को मजबूत करते हुए जो लोग नदी के तट पर बसे हुए हैं उनके परिप्रेक्ष्य में उनका संज्ञान लेती।
इसकी बीच में आपदा वजन दिन हो गए, अभी तक कुछ घटना नहीं हुई है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी यहाँ पहुँचे हैं कि जगह जगह आप कल भी हम लोग खरने थे, गर्म पानी से, वहाँ भी बहुत नुकसान हुआ, वहाँ भी कोई घोषणा नहीं करी। अभी भी यहाँ देख रहे हैं कि लोगों की ज़मीनें बह चुकी हैं और सरकार अभी भी उदासीन है। कोई मतलब नहीं, हमें सरकार को चेतना चाहिए कि इस समय जो इमीडिएट जो रिलीफ मिलता है लोगों को, तो विस्थापित करने का कार्य करना चाहिए था। हमने बिल्कुल किया, अन्य जगह में कुछ बेचारे लोगों के पास सब घर बह चुका है, सबको बोले इतनी त्रासदी हो गई। इसके बाद भी सिवाय हवाई घोषणा के अभी तक धरातल पर कुछ नहीं हुआ। हमारी शासन से मांग है कि जो लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए उनको तत्काल प्रभाव से इमीडिएट उनको रिलीफ मिलना चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।